लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भैया को मार दिया अंकल, भैया को मार दिया। पर तुम बोल कहां से रहे हो? सेंटर पार्क के टेलीफोन बूथ से अंकल। अंकल उन्होंने भैया को मारकर फेंक दिया। मैं क्या करूं अंकल? अजय मैं क्या करूं? हेलो हेलो, तुम घबराना नहीं अजय। जल्दी आओ अंकल। हाँ मैं आ रहा हूँ। अंकल जल्दी आप। अजय मैं आ रहा हूँ। वहीं पर रुके रहो। हाँ को संभालो इंदु। अजय अजय को क्या रिस्क किया? बस तूने अपने भाई का खून किया है, कबूल कर। ये क्या कर रहे हो शर्मा? होश में आओ। अजय छोड़ दो इसको, पागल हो गया क्या? जान से मार दो किसी। पकेगा ये। बोल कदम। बोल नहीं तो छोड़ दो इसको। अजय ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहता है बयान दे दो उसे। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना अदालत में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके मुझसे कहो, बोलो। चाहो बशीर खान जाओ, किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये एक्टिंग कैसी लगी? रिश्वतखोरी और मक्कारी ने तुम लोगों के जिस्म में माँ के दूध के असर को खत्म कर दिया है। खोखले हो गए हो तुम सब के सब, नामर्द हो। जी तो चाहता है लेकिन नहीं, उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, मेरी नहीं। तुम्हें तो सड़ सड़ के मरना है जेल की चार दीवारियों के बीच, और मैं तुझे सजा दिलाकर आऊंगा। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। मिलॉर्ड, मुलजिम अदालत का वक्त जाया कर रहा है, जबकि तमाम सबूतों, बयानात और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि मुलजिम नहीं मकतूल अशोक मेहरा का कत्ल किया है। यह मासूम चेहरे वाला अपराधी केस को उलझाने की कोशिश में बलवंत राय जैसे नेक इंसान पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसी कटघरे में खड़े होकर इसने कानून और अदालत की भी तौहीन की है। अब मैं एक ऐसे अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका इंतजार इस अदालत को पिछली दो तारीखों से है, खास तौर से मुलजिम अजय मेहरा को। इजाजत है। श्री प्रमोद शरण गुप्ता को पेश किया जाए। यह वो नाम है मिलॉर्ड जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनका नाम कानून की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जिन्होंने कानून को कई नए आयाम दिए हैं, कई बेहतर मिसालें कायम की हैं। मिस्टर गुप्ता, इस केस से मुतालिक जो बातें हैं वो आप अदालत को बताएं। मकतूल की बीवी मेरी भांजी है, इसलिए मैं इस परिवार के बहुत नजदीक रहा हूं। अशोक और अजय में झगड़े तो अक्सर हुआ करते थे, मगर इसका अंजाम कत्ल तक पहुंचेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब 7 नवंबर को अजय का मेरे पास फोन आया कि उसके हाथों अशोक का खून हो गया, ये क्या कह रहे हैं आप? तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा अशोक की लाश लिए अजय। मिलॉर्ड, अजय चाहता था कि मैं उसके किए पर पर्दा डाल दूं। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है। Yes, मिलॉर्ड, this is an absolute lie. ये एक बहुत बड़ी साजिश है। It is a conspiracy to frame a... Order, order. आप समझते क्यों नहीं? अजय बेगुनाह है। देखिए मिस, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिएगा। नाउ यू प्लीज सिट डाउन। वर्षा, ये क्या कह रहे हैं अंकल?
भगवान से तो डरी जज साहब, अब इनके बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। बेच चुका है ये भी जज साहब, खरीद लिया इसे भी बलवंत राय ने, मिले हुए हैं सबके सब। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप उस बात पे रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ? मिलॉर्ड, ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। अदालत को सब कुछ साफ साफ बताइए मिस्टर गुप्ता। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। मैं तुझे अपाहिज बना के छोड़ूंगा। चल उठ, उठ। नजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम अजय मेहरा को ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। हे भगवान, कैसी पापन है ये, देखने में तो बड़ी भोली लगती है। देवर तो बेटे के समान होता है, ये तो वाकई समाज के नाम पर कलंक है, इसे तो डूब मरना चाहिए। हाय रानी, कैसा जमाना आ गया, छी छी छी। अरे ऐसी औरत को तो समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इस औरत को समाज में रहने का कोई हक नहीं। देवर के साथ ऐसा रिश्ता, छी, भाभी तो माँ के समान होती है। घोर कलयुग आ गया है, ऐसी औरत को डूब कर मर जाना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, डायन है, डायन। भाई के हाथों भाई का खून करवा दिया। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। मुलजिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। अजय के नाम छोड़ गई है। अजय, इस जालिम दुनिया में ऐसे नाजुक मोड़ पर मैं तुझे अकेले छोड़कर जा रही हूं, मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में मैं तुझे अपनी कोख से पाना चाहती हूं, ये कर्ज तुझे उतारना होगा। भगवान तेरी रक्षा करे। Oh, my God.
हम तुम्हारे साथ हैं अजय, इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे। ये लड़ाई मेरी है, सिर्फ जज्बातों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बलवंत राय के सामने तुम अकेले नहीं, अकेले ही लड़ूंगा मैं। क्या बात करता है दोस्त, अपना भी कहता है और अपना मानने से इनकार भी करता है। जिंदगी भर जेल में पत्थर तोड़ने से बेहतर है तेरे जैसे अच्छे आदमी के काम आ जाए। मैं अपने मकसद के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कौन सी जान काहे की जिंदगी, अपन को तो पहले ही 300 दो लगा कर अंदर भेजेला है, कभी भी लटका देगा। मैं तो कहता हूँ पहले मौके मिलकर भाग निकलते हैं। ठीक कहता है मितवा। हाँ। बलवंत राय जैसे दो चार को मारने से मैं तो कहता हूँ हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर नया लाइफ शुरू करते हैं। और बिल्कुल, अपने अपने किसी कोने में जाकर सेटल हो जाते हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं अजय, अब मान भी जाओ अजय। 5 साल हो गए इस नर्क में झुलसते हुए, 5 साल। अब तक जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, सब अपने लिए। हो सकता है तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल होकर हमारी जिंदगी के कुछ मायने निकल आए। अब जिद मत करो अजय, हाथ मिला ले दोस्त। हाँ। कल रात के तूफान से जेल को आने वाली कच्ची सड़क, वही भारी रास्ता, वो बंद हो चुका है। उसमें जेल की चंद गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। वार्डन ने कहा है कि कुछ कैदियों को ले जाकर रास्ता साफ करवा दो, तो हमने चारों का नाम लिखवा दिया। हाँ। है, जाने की तैयारियां हो रही है। चल मितवा। हाँ।